चलिए, इसी बीच बीकानेर से खबर सामने है जहां सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों मंत्री रमेश चंद मीणा गर्म हो गए। दरअसल बीकानेर पीएम के बहाने प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स पर मंत्री भड़क उठे। मंच पर बैठे जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल पर टिप्पणी करते नजर आए रमेश चंद्र मीणा। कलेक्टर का फोन पर बात करना उन्हें नागवार गुजरा। मंत्री को राजीविका की महिलाओं के साथ समूह संवाद कार्यक्रम के दौरान का ये किस्सा है। रविंद्र रंगमंच में चल रहे कार्यक्रम में कलेक्टर की तरफ देखकर बोले, सरकार का निर्देश है, मुख्यमंत्री का, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी हैं? क्या प्रदेश में जो किसी के सुन नहीं रहे? रौनक व्यास हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, क्या कुछ मामला था और उसके बाद क्या सफाई सामने आई है? जी बिल्कुल, अभिनव देखे जानकारी दे दू। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मंत्री रमेश चंद्र मीणा जो है बीकानेर के दौरे पर है, रविंद्र रंगमंच पे है, जो महिलाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम था उसमें शिरकत कर रहे थे और उस दौरान देखिए मंच पर जिला कलेक्टर भी मौजूद थे। जिस वक्त मंत्री भाषण दे रहे थे मंच पर, उस दौरान कलेक्टर अपने फोन पर किसी से बात कर रहे थे और उसी दौरान ये वाकया देखने को मिला, जब खुले तौर पर मंच पर कलेक्टर को रमेश चंद्र मीणा ये कहते हुए नजर आए कि ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी हो गए, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, क्या प्रदेश के ये हालात है, इस तरह के जो टिप्पणी जो है कलेक्टर को की। और उस दौरान कलेक्टर ने देखिए प्रोटोकॉल का पालन किया और वहां से वो खड़े होकर बाहर की तरफ निकल गए। हालांकि देखिए पूरी तरह से देखा जाए गरीबों का पद है जिला कलेक्टर का, और कलेक्टर की जो छवि है वो कहीं ना कहीं आप देखिए सादगी वाली है, अच्छा काम कर रहे हैं, कई तरह की तारीफ भी सरकार की तरफ से हुई है, लेकिन जिस तरह से मंत्री ने कलेक्टर पर तंज कसा, ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल खड़े किए आज इस पूरी घटनाक्रम के बाद, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। हालांकि देखिए जिस तरह से आप देखिए प्रदेश की राजनीति चल रही है उसमें कहीं ना कहीं पहले भी रमेश चंद्र मीणा जो मंत्री है उनके कई ऐसे बयान सामने आए हैं जो चर्चा में रहे हैं। आज की जो घटना हुई है आप देखिए निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से रमेश चंद्र मीणा ने ब्यूरोक्रेट्स पर पूरे राजस्थान के प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स को, बिल्कुल ये कोई पहली दफा नहीं है जो इस तरह से ब्यूरोक्रेट्स को लेकर बयान दिया गया हो। शुक्रिया रौनक तमाम जानकारी के। क्या ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी है कि स्टेटमेंट सुनने के बाद आप जाइए। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।